ये जंत्र कलियुग को प्रकट किया भगवान अच्युत गुरुदेव, जे ये जंत्र जिस गृह में रहेगा तंभा रूप पात्र से ये जंत्र को स्थापन करके अक्षर को ब्रह्म को स्थापन करके तुलसी चंदन और गंगा पानी से धो करके जो पाएगा उनका यादि व्याधि रोग समस्या इनका समाधान हो जाएगा। अच्छा, समाधान वो जंत्र का इतना करामत है। अच्छा, ये जंत्र में ये जंत्र का उद्देश्य यही है, ये सुष्टि स्थिति लय, इससे सुष्टि होता है, लय होता है, प्रलय भी होता है। ये सुष्टि स्थिति लय वो जंत्र का नाम। इसी जंत्र जिनका पास रहेगा वो असिंग गाव खीर देगा, नींद और झर बहेगा, कुरिया प्रसाद होएगा एवं असिंग गाव खीर देगा एवं जो मन में पांचेगा वो कामना पूर्ण हो जाएगा। इसी मंत्र इतना बड़ी मंत्र है, इनका नाम अनाक्षर होता है, इनके द्वितीय नाम से एकाक्षर कहता है, जिससे एकाक्षर हो, एक ब्रह्म हो, एक आत्मा, एक परम ब्रह्म, ऐसे जंत्र। इसी जंत्र को रखी गृह में जो पूजा करेगा, भावना करेगा, ये अमूर्ति अनादि अखंड मंडलाकार सृष्टि से ओ इसको भावना करेगा तो आप लोग के अशेष कल्याण हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, सुख आएगा। आपके मन में जो समस्या है, पारिवारिक मानसिक समस्या है, दारिद्रता है, दुख है, वो सब सब मिला जाएगा, मिट जाएगा, भगवान का कृपा आ गया। ऐसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही वो अनाक्षर यंत्र भी है आपके पास, है क्या? वो है, ऐसे जंत्र बहु है, बहुत सारे ये जो जंत्र है, शून्य जंत्र होता है। आज से लगभग 500 साल पहले की ये यंत्र है, बाबा ने बहुत संभाल के इसको रखे हैं। तो आइए आइए समझते हैं, ये होता है और नाम होता है, वो नाम होता है, वो काम होता है, ओंकार होता है। ओंकार नीचे में है, काम भी जब प्रकट हो तपर हकार है, ये इस पर अकार है, ये जंत्र होता है, ये होता है हकार होता है। जैसे ये जंत्र एकाक्षर ज्योति ब्रह्म हो, महाशून्य से महाशून्य से जाते हैं ज्योति ब्रह्म, इसका नाम होता है हरादि एकाक्षर। हकार अक्षर नहीं अकार मिछाओ, आकार पारुष्य दई चारि तले सुओ, सातों अंक पासे दई आठों अंक लेखो, मंडला देई न तई नाम ब्रह्म जोखो, सप्त गोटी मात्रा जे चौदह अक्षर, यहाँ को भजिन भव सिंधु हेबू सार। सनकादि मुनि माने इसी पर जातो, ये सनका जो चार संत संत आद्य सनत कुमार आदि संत सनातन सनत कुमार, इसी से सृष्टि हुआ है। ये जंत्र एकाक्षर हरादि होता है, इनका नाम चौदह अक्षर होता है, ओम हरो हरा हरु हरे हरो हरी हरंग नम, ऐसे मंत्र जो उच्चारेगा पड़ेगा। यदि आप लोग को चाहे तो इसका सरल भाषा से आप ले सके, ले ले, ले जाएंगे, पढ़ेंगे। इसी जंत्र के रखे घर में पूजा करने थे अपार दुख मिट होता है, सुख मिलता है, ज्ञान प्राप्ति होता है, वैराग्य आता है, भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए मन में श्रद्धा विश्वास बुद्धि पाता है। ये जंत्र हरादि हुए। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो मोटा मोटी मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो यंत्र है, पंच सखाओं ने जब ये यंत्र के बारे में लिखे थे तो इसमें ये लिखा गया था, जब सृष्टि में जो विषम स्थिति आएगा तब जो भक्त हैं तो वो इसी यंत्र को ही पूजा करके वो जो विषम स्थिति है उसे फिर पार हो जाएंगे। ये सब जंत्र गुरु कृपा से प्राप्ति हुए। जी, भगवान अच्युत महापुरुष आज से 5 साल से पहले इसी बड़े यंत्र से पूजा किया था, जे एकाक्षर इसी यंत्र से अच्युतानंद महापुरुष ने शून्य आसन किया था एवं पूरी श्रीक्षेत्र धाम में प्रभु जगन्नाथ की कृपा प्राप्ति होता था। ये यंत्र का बहुत महिमा है, महात्मा है। जब आप लोग चाहे तो इनको स्मरण करें, वो स्मरण करेगा एकाक्षर तो आपके बहुत। वो जो मंत्र है वो क्या है एक बार फिर सब ये बता दीजिए। अंग अंग उंग एंग इंग अंग ओंग नमः, ऐसे होता है अनुसार विसर्ग, ऐसे पंच मात्रा दे करके ये जंत्र का प्रकट होता है। यदि कोई व्यक्ति साधु, यदि कोई महात्मा इनको प्राप्ति के लिए चाहेगा तो हम हमारा साथ जोगाजोग करेगा, हम इनका मन से कि जैसा तार अनुभव होता है इनको बता देगा। जी जी, जी ये बहुत बढ़िया, बहुत। लेकिन ये जंत्र बहुत गुरुत्वपूर्ण है, इसी जंत्र को जो भी पाएगा इनका कल्याण होते रहेगा, रहेगा वो
सदा बात है, जुट ये निष्ठा वाक्य है, इसमें ये भगवान का वाणी है, ये भगवान का जंत्र है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो फिर महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जाते जाते एक बात आपसे कहना चाहूँगा, ये आपके बगल में ये जो दंड है, ये दंड है, वह असर क्या है? ये बड़ा भद्र का दंड होता है। जी जी जी, याद जिससे कोई कोई दंड किसी अपन के मन दंड होता है, काया दंड होता है, ब्रह्म दंड होता है। भगवान बड़ादेव के हाथ में जो मुसल है, इनका साधु संत का कलयुग में प्रकट इनका दंड नाम किया, इसलिए अष्ट धातु का क्रिया है। इसी इष्टि अष्टधातु सा भी अंदर में जो विभूति मिला कि आप लोग मस्तक में लगाएगा, आपके अनेक पाप क्षय हो जाएगा, आप जो चिंता करेगा वो पाए जाएगा। जी जी जी। आपके अभिलाषा कामना वासना जो होता है आसान रूप आपका होता है, जो प्राप्ति के लिए चाहते ताता इन दंड मुंड में जो जिनका लगेगा अनेक जिसके सिर में इसको टच करेंगे लगाएंगे तो फिर उनका जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका समाधान अवश्य होगा। ये आपको कहाँ से मिला था? गुरु जी का कृपा से मिला, गुरु संत मौर मणि रामचंद्र दास जी, जी के कृपा से। हाँ। वो मेरे गुरु जी था ना, वो 111 वर्ष तक जिंदा था, 111 साल तक वो जिंदा थे। हाँ। तो मतलब वो लोग अब जो है वो परलोक हो चुके हैं। इनका साथ जब मैं मिला 90 वर्ष में साथ गुरु का साथ, एक दिन गुरु का साथ पूरी पद में चला के गया। ऐसे गुरु संसार में भी रोड़, ये जो चूड़ा होता है ना, चूड़ा भुजा, वो चूड़ा को कंचा चूड़ा को चुबा चुबा की पानी पी करके पूरी चला गया। जी जी, जो पोहा होता है तो पोहा को बस पानी में उसको डाल के वही होता था उनका भोजन। जी, ये गुरुदेव का कृपा, ये सब गुरु जी का कृपा से मिला। गुरुदेव जी के कृपा से महाराज जी को ये सब जो दिव्य चीज़ें हैं ये सब उनको हासिल हुआ है। तो फिर आज बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप तक ये चीज़ें पहुंचा जाए, दिखाया जाए, क्योंकि मालिका में जो लिखा है एक्चुअली में लिखा तो है, वो यंत्र कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और भक्तों के लिए उनका उपयोग तक क्या है, तो इसके बारे में बहुत रिक्वेस्ट किया महाराज जी से। मैं बोला कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी, चलिए आप लोग को धन्यवाद देंगे। आप लोग को भगवान से विश्वास रखिए, एवं वो जो मंत्र जंत्र तंत्र वो युग युग में है, इसीलिए ये सब जंत्र भगवान अच्युत पंच सखा ने बनाया भगवान का कृपा से। इस ये बहुत गहन, जैसे कि गज का मापी विश्वास होना था ही, एवं मुर्गनी का मापी विश्वास होना था ही, जैसे कि अजामबिल का मापी विश्वास होना था ही, जैसे कि आप लोग को बिलो मंगल होता है इनका मापी विश्वास होना था ही होगा, तो आप लोग को इनको पाएगी। अब जब आएगा ध्यान को तो पंचशखा धाम में, इस धाम में जगन्नाथ है, इस धाम में प्रभु प्रभु प्रकट किया। मैं 40 साल यहाँ से बिताया, एवं मैं उड़ीसा भारत से बिहार बंगाल दिल्ली एम भी घुमा, लेकिन हमें हिंदी अच्छा से समझाता है, लेकिन उड़ीसा का बोलने में थोड़ा गलती होता है। नहीं, नहीं, आप मेरे को मिलेगा तो कठिन से कठिन कथा को सरल कर देगा। जी 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 जी, तो फिर महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आपने बहुत महत्वपूर्ण कथाएँ आपने सुनाई हैं। तो फिर आप अभी सुन रहे थे धानकूद मालिका के बहुत ही प्रसिद्ध स्थान जिसका नाम है धानकूद, धानकूद पीठ के पीठाधीश प्रेम सागर बाबा अर्खित दास महाराज जी को। कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट में अपना मत दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ, जय बंसखा।